हैं। लुधियाना से बड़ी खबर सामने आ रही है, एक ही परिवार के चार सदस्यों की हत्या का मामला सामने आया है। दो महिलाएं, एक व्यक्ति और एक बच्चे की हत्या हुई है। परिवार के मुखिया पर हत्या का आरोप लगा है। मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मयूर विहार इलाके का ये मामला है लुधियाना के। इसी पे ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे, लुधियाना का ये मामला है, एक ही परिवार के चार सदस्यों की हत्या हुई है, बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है, क्या कुछ अपडेट? जी, जैसे कि घटना सामने आई है, बीती देर रात एक परिवार में चार जो लोग हैं जिनमें एक बच्चा भी शामिल है 13 साल का, हत्या की गई है। तेजा हथियार से वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले में पुलिस ने जो शव है कब्जे में ले लिए हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। कैसे करके मामले की जाँच शुरू कर दी गई है और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही जो आरोपी है उस तक पुलिस पहुंच जाएगी। जी जी, जानना चाहेंगे, दरअसल ये पूरा वारदात को अंजाम किसने दिया, क्या कोई पुरानी रंजिश थी जिसके चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? जी, अभी तक ये मामला खुल के सामने नहीं आ पाया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले ली है। हालांकि जैसे कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कि जो परिवार का जो एक मुख्य सदस्य था, एक प्रॉपर्टी डीलर है, उस पर शक जा रहा है पुलिस का, क्योंकि वह देर रात अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकला था। और उसके अलावा पुलिस अभी सुराग इकट्ठे कर रही है और जल्द ही खुलासा करने की उम्मीद है। जी जी, अभी पुलिस की तरफ से आगे क्या कार्रवाई की जा सकती है अरुण? आगे पुलिस सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले रही है। इसके अलावा जो परिवार के रिश्तेदार का घर पासी में है उनसे पूछताछ की जाएगी और जांच की जाएगी कि रात में जो कौन उनके घर में आया था और जो एक सदस्य रात को बाहर गया था गाड़ी में, उसकी भी पड़ताल की जाएगी कि वो सदस्य कहाँ है, क्योंकि वो सदस्य फरार है। फिलहाल पुलिस अलग अलग पक्षों से मामले की जाँच कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही मामले में खुलासा किया जाएगा। जी, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, दो महिलाएं, एक व्यक्ति और बच्चे की हत्या यहां पर की गई है। हालांकि कुछ पता नहीं लग पाया है कि क्या वजह रही जिसके पीछे पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि अभी पता लगाने की कोशिश की जा रही है, पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में जांच जारी है।